ज्योतिष आचार्य जी, 12 अक्टूबर को नवरात्रि का कलश विसर्जन होना है, उसी दिन माता दुर्गा की प्रतिमा का भी विसर्जन होना है, और नवरात्रि का समापन की तिथि 12 अक्टूबर यानी 10वीं तिथि को है। इस दिन कलश विसर्जन से पहले कलश विसर्जन से जुड़े क्या उपाय लोगों को करना चाहिए ताकि माता दुर्गा की कृपा सालों भर उनके घर में बनी रहे। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। शारदीय नवरात्र का जो है, जहाँ कलश स्थापन हुआ हो, घट स्थापन हुआ हो, उस कलश स्थापन में हल्दी, जल, सिक्के, सुपारी, पंचरत्न, सर्वौषधि इत्यादि देकर के कलश स्थापित किया जाता है, और 9 दिन तक उसी कलश में माँ दुर्गा का पूजन षोडशोपचार से, विधि विधान से किया जाता है। तो सभी देवताओं का आवाहन जो है वह कलश में होता है, और जब हम 10वीं को कलश विसर्जित करेंगे, उसके पहले हमें करना यह है कि उसका जो जल है, उसमें जो गंगा जल रहता है, उस गंगा जल को कोई बर्तन में निकाल करके, या तो फिर कलश को उठा करके, आम का जो पल्लव और पंच पल्लव उसमें डाला जाता है, उस पंच पल्लव से पूरे घर में उसका छिड़काव करें। जितना आपका रूम है, सब रूमों में, हर जगह गोदरेज, अलमारी, फ्रिज इत्यादि जिसमें है, जितना आपका घर का सामान है, सब में थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करें। उससे क्या होगा कि आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, उस कलश में सारे देवताओं का सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश रहता है, इसलिए उस जल को पूरे घर में छिड़काव करने के बाद ही, यदि कुछ जल का अंश आप कोई बर्तन में थोड़ा सा शीशी या डब्बा में उसको बंद करके आप अपने घर में रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब उसके प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कलश के जल को आप जल में समाधि करा दें, जल में विसर्जित कर दें। यही कलश का मूल नियम है, कलश स्थापन का। तो उस जल को थोड़ा सा रख करके आप जल में विसर्जित।